डॉक्टर शेरवाल, क्या अब एक बार फिर से वही जो 2020 में हम लोग मई के महीने में और जून के महीने में बात करते थे, क्या फिर से वही अब एक बार वही स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस की जरूरत है? लॉकडाउन तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसी सख्ती जो लोगों को निकलने से घर से रोके, या कुछ ऐसा जो इस चेन को तोड़े? नहीं, वो बहुत आ सकता है और मुझे उम्मीद है कि सभी सरकारें उस पर काम कर रही होंगी, और जैसे कल दिल्ली सरकार ने भी उस पर मंत्रणा की है, और ये सभी सरकारों की, सभी मैं आम जनता की, सबको ये है कि जितनी जल्दी हम जो सख्ती बरतनी है वो बरतें, और कंटेनमेंट जो जोन हम, आपने देखा होगा दिल्ली में भी काफी संख्या में बढ़ाए जा रहे हैं, तो वो सभी स्टेट मिलके अपनी अपने अपनी जो डॉक्टर वली ने भी कहा कि जैसे परिवार में हम असेस करते हैं अपनी सिचुएशन, ऐसी सभी सरकारें कर रही हैं, और वो बात यह है कि समय रहते कर लें ताकि उचित समय पे ये लोग समझ जाएं। दिल्ली से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, वो बताऊं फिर आता हूं आप लोगों के पास। दिल्ली का सेंट स्टीफेंस कॉलेज बना कोरोना हॉटस्पॉट। जी हां, डीयू के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में 17 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें छात्र और कॉलेज स्टाफ शामिल है। छात्र और कॉलेज स्टाफ समेत 17 को कोरोना हो गया है। टीचर्स का आरोप है डलहौजी ट्रिप के बाद ये कोरोना विस्फोट हुआ है। डीन, मेस मैनेजर और सिक्योरिटी स्टाफ को भी कोरोना हो गया है। अब ये देखिए, क्या इस कोरोना काल में इस तरह का टूर प्लान करना चाहिए? सीधे कुमार कुंदन के पास चलते हैं। कुमार, क्या जानकारी है इस बारे में? देखिए, मिड सेमेस्टर ब्रेक के तहत जो है कॉलेज के स्टाफ और कुछ छात्र छात्राएं जो है वो डलहौजी के लिए गए थे, और तकरीबन जब ये लौट के वहाँ से आए हैं और उसके बाद इनका टेस्ट हुआ है, क्योंकि कुछ लोगों में सिम्टम पाए गए कुछ छात्रों में, और जब टेस्ट कराया गया तो पता चला एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 17 लोग जो है इसमें पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये एक कह सकते हैं कि बड़ा गोफअप है ऐसे स्थिति में जब कोरोना देश में फैल रहा है। वैसे में ग्रुप इवेंट जो, जिसकी बात सरकार कह रही है बार बार, उससे थोड़ी दूरी बनाई जानी चाहिए, और ग्रुप इवेंट हुआ है और उसकी वजह से इस तरह से स्प्रेड फैला है। तो पूरे मामले पर फिलहाल अभी कॉलेज प्रशासन चुप है, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि सब लोगों को क्वारंटाइन किया गया है, और भी उनके संपर्क में जो जो लोग आए हैं उन पे नजर रखी जा रही है, और दूसरा, जहां ये गए थे डलहौजी में उस जगह पे भी सघन जांच अभियान शुरू किया गया है, ताकि ये पता किया जा सके कि वहां कितने लोग संक्रमित हुए हैं। ठीक है, तो मतलब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की वहां पे की जा रही है, लेकिन दिल्ली कितनी तैयार है अब ये देखते हैं कोरोना से बचने के लिए या कोरोना को काबू करने के लिए, क्योंकि दिल्ली में भी हालात बेकाबू हो रहे हैं। दिल्ली में भी 3,500 से ज्यादा मामले 24 घंटे में आ चुके हैं, इसलिए दिल्ली कितनी तैयार है? आइए वॉल पर दिखाते हैं आपको, बिग वॉल पर ग्राफिक्स के जरिए, कि दिल्ली में इस वक्त कोरोना के क्या मामले हैं, क्या तैयारी है, कोरोना लहर पार्ट 2 दिल्ली में कितनी खतरनाक हो चुकी है। अब ये देखिए, कोरोना से हाहाकार, दिल्ली कितनी तैयार? यहां के अस्पतालों का आंकड़ा, सरकारी अस्पताल 109 है, निजी अस्पताल 67 है, कुल 176 अस्पताल हैं दिल्ली में जिनमें बेड देखें तो 24,000 से ज्यादा बेड है सरकारी अस्पतालों में, 15,000 बेड प्राइवेट अस्पतालों में, करीब 40,000 बेड है दिल्ली में अगर कुल सारे अस्पतालों को मिलाकर देखें। लेकिन सवाल यह है कि यहां तक क्या आंकड़ा पहुंचने का इंतजार करना चाहिए? आईसीयू के बेड, वेंटिलेटर्स के बेड जाहिर है इनसे बहुत कम होंगे, और उस स्थिति में अगर कोई मरीज पहुंचता है तो उसको इलाज कैसे मिलेगा? ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि दिल्ली में भी अब बहुत जरूरी हो चुका है कि किसी तरह, जो हमने पिछली बार रणनीतियां देखी थी, कंटेनमेंट जोन देखे थे, रेड और दूसरे कलर के जोन बनाकर काबू में करने की कोशिश की जा रही थी, वो दिल्ली में एक बार फिर से आना चाहिए। क्योंकि देखिए, लॉकडाउन नहीं लग सकता, क्योंकि लॉकडाउन के अपने दूसरे बहुत नुकसान हैं, आर्थिक तौर पर भी बहुत उसके नुकसान हमने देखे हैं पिछली बार, लेकिन कुछ तो होना चाहिए जिससे ये मामला रुके। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।